यहाँ राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण बात कर रहे हैं, जाति पाति हैं, बच्चों को छात्र शिक्षकों को बांटे हुए हैं। चूंकि बगल का गाँव का है, हम लोग दूर दराज के हैं, ये कभी भी ला करके हम लोग को पिटवा सकते हैं। इनका भाई वगैरह इनका भाई वगैरह कई केस में लंबित है, मुदाला है। इनका भाई लेकर के इन्होंने कहते हैं, धमकी देते हैं कि हम भाई सबको खबर करेंगे, ग्रामीण को खराब खबर करके बुला करके सबको चुरवा देंगे। हम लोग आतंकवादी हैं, इनको बोलते हैं कि मध्यान्ह भोजन को सही कीजिए, गुणवत्तापूर्ण कीजिए, तो ये हमारे खिलाफ़ आवेदन देते हैं कि आतंकवादी है। शौचालय कहते हैं कि साफ सुथरा कराइए साहब, स्वच्छ वातावरण सरकार का आदर है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ चलाया है, आप इसको साफ सुथरा कराइए, नहीं कराए। अंतों का तो हम एक ललित कांत झा मास्टर साहब हैं, उन लोग दोनों आदमी के अथक प्रयास से भनसिया को पकड़ करके बच्चों से हम लोगों साफ सफाई। एक क्लास का स्टूडेंट मर चुका है बच्चा, आप उसका कैसे हाजिरी बनाते हैं और कैसे उनको एग्जाम में बैठाते हैं? ये भूत की, ये हमें तो लग रहा है ये जो है खेतास कलना जो है भूतों की स्कूल है, और यहाँ पे जो है जिंदा शिक्षक पढ़ाते हैं भूतों बच्चे को, हमें ऐसे ही लग रहा है। और हमारे एचएम सर जो है इनका, इनको कुछ पता ही नहीं। संजय कुमार सिंह है, हम अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ स्कूल पे, कलना खतास स्कूल, ये प्राथमिक विद्यालय है ना, मध्य विद्यालय कलना खतास, खेतास कलना। इसमें एक स्टूडेंट है, छात्रा है, नाम है मीरा कुमारी, जो कि डेट कर गई, मर गई है, और उसका विधिवत हाजिरी भी बनते आया है, और उसके बाद उसका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो देती है और एग्ज़ाम में पास भी हो जाती है। और यहाँ जब हम लोग को जानकारी मिलता है, यहाँ जब आए हैं हम अपने एचएम सर से पूछ रहे हैं, यहाँ पे सर क्या नाम बोले आप अपना? मेरा नाम श्यामकांत झा है। श्यामकांत जी, इनसे जब पूछ रहे हैं तो ये हमें बता रहे हैं हमारा जिम्मेदारी नहीं है ये। सर एक मिनट सर, सच्चाई सामने आने दीजिए। शिक्षा मंत्री का आदेश था, जो कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी का आदेश था, कोरोना काल में सबका एडमिशन किया जाए, चाहे वो बच्चा स्कूल आए या ना आए, ठीक है सर हम मान गए, लेकिन उसके बाद आपका भी फर्ज बनता है। आप क्लास में जाके चेक नहीं करते हैं जो आपका टीचर ढंग से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, पढ़ाता है कि नहीं, तो आप गए तो उसमें आपको ये नहीं लगा जी ये बच्चा इसमें है कि नहीं? आपने कभी पूछे, कभी जांच किए? आप कभी रजिस्टर मिलाए बच्चे को आके, मिलाए क्लास में आप? सर मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, आपसे जवाब पूछेंगे हम। ये सर जो है ना तो कभी क्लास में गए, हमें एक शिक्षिका से अभी जानकारी मिला है, जो बच्ची डेट कर गई, उसका मम्मी ने आके यहाँ पे बताया भी, उसके बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, एक मृत्यु हो गई जिस छात्रा की, बहुत दुखद समाचार है ये बात है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ उसके नाम के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जो उसका नाम चलता है, स्कूल में पढ़ाई होता है, बाकायदा उसका पास एग्ज़ाम देती है और पास हो जाती है। पता नहीं इसमें भूत बन के आई हो बैठ के एग्ज़ाम देने के लिए या क्या आई, इसका जिम्मेदार कौन है? हम ये आप आम जनता पे छोड़ते हैं, शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर छोड़ते हैं, शिक्षा मंत्री के ऊपर छोड़ते हैं, जो क्या ये सही है तो फिर क्यों यहाँ जिंदा बच्चा पढ़ने के लिए, मृत्यु होगा वही क्यों नहीं आकर नाम लिखा? एक मुर्दा का भी स्कूल है इस कलना खेतास में, हमें ये पता नहीं था लेकिन आज मालूम चला है, जो यहाँ पे एक मुर्दा का स्कूल भी है जिसमें जो है मुर्दा आता है, मरा हुआ बच्चा आता है पढ़ने के लिए। सर अब आइए, आप बताए सर, एचएम सर हैं, इनसे पूछते हैं। सर आप जो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, आप जो एचएम हैं, जिम्मेदारी की बात नहीं की, बच्ची जब डेट की तो आपको मालूम चला, कब चला मालूम? हमको मैंने मृत्यु के बाद, मृत्यु के कितना दिन के बाद मालूम चला? मैंने मार्च में मैंने पता चला है, 28 मार्च को, 28 मार्च को पता चला। पहले शिक्षिका को कैसे पहले मालूम हो गया? वो लोग पहले से मैंने, उनका घर यहाँ से 3 किलोमीटर बच्चा का मैंने घर है, और उसके साथ कोई भी बच्चा आता ही नहीं था, पूरा अटेंडेंस कटा हुआ है, उस गांव से बच्चा कोरोना काल से अभी तक आता ही नहीं था, सिर्फ मैंने वो मैंने क्या कहते वर्ग शिक्षक मैंने अधिकाल में, सिर्फ अधिकाल में मैंने जो एग्जाम एग्जाम हुआ इसमें, उससे पहले कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई। जब एग्जाम जब हुआ, एग्जाम जब शुरू हुआ, उस टाइम में आपने चेक किए, देखे कौन बच्चा आया कौन नहीं आया? हमको पता ही नहीं था सर का, हम बताते हैं, हमको जब बीओ सर आए तब वो जानकारी मिला, टीचर सबको अपने जिनका घर उनके घर के नजदीक था उनको पता था, हमको कोई नहीं बताया। अच्छा तो मतलब ये काम बीओ सर का है जो आकर के वो आपको बताए? बीओ सर कहीं ना कहीं इसमें बीओ सर भी जो है मिली भगत है,
बीओ साहब का भी मिली भगत है, नहीं है मिली भगत तो आपको कैसे बीओ सर बताए, तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की है बीओ सर? और आपने जो है क्यों नहीं चेक किए, जे एच एम आपने चेक क्यों नहीं किए, जो हमारे स्कूल में कौन बच्चा आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन छात्र है? ठीक है, घर से अगर उसकी माँ भेजे या उनका परिवार भेज देता है जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बच्चा स्कूल नहीं पहुँच पाता है, और पहुँचता भी होगा या रास्ते में कुछ हो जाए बच्चा को, कहीं भाग जाए चला जाए, उसका जिम्मेदार क्यों कौन होगा? इसी स्कूल के एक शिक्षक हैं, इनसे बात कर, नूर आलम जी हैं, इनसे हम पूछते हैं मीरा कुमारी के बारे में। सर, ये मीरा कुमारी के बारे में आप बताइए क्या हुआ था? 8 की छात्रा थी, 9 महीना पहले मर गई। उसकी माँ ने हेडमास्टर को आके सूचना दिया कि मेरी बच्ची मर गई है, मेरा नामांकन नाम हटा दीजिए, और जो हमको छात्रवृत्ति पोशाक या जो मिलता है लाभ, वो लाभ से हम वंचित कर दीजिए, मरा हुआ का हम नहीं लेंगे। मरा इनको कहा, अब इनके स्मरण में रहा या नहीं रहा जा सुना जाए सर। हम ये बोले हम नहीं बोले हैं, हमको जवाब देने दीजिए। इनके स्मरण में था या नहीं था, वो बच्ची का चूँकि वो बेचारी बाहरी है, बाहरी शिक्षिका है, उसको जानकारी नहीं कि कौन मर गया। दरभंगा की रहने वाली है, वो बोचा हाजिरी बनता रहा। इससे पूर्व 9 महीना तक खाद्यान्न का उठा, चावल का उठान होता रहा, उस बच्ची के खाता में राशि जो है छात्रवृत्ति पोशाक और सारा पैसा जाता रहा, सारा पैसा उसके खाता में जाता रहा। इतना ही नहीं, ये जब बात जो उजागर हुआ है, तब ये जाकर के उस महिला के जो मर गई है छात्रा, उसकी माँ को 200 रुपया भी दिया है और उसे कागज़ पर दस्तखत भी करवाया है, जिसका एक गवाह ग्रामीण है, हमारे इसी का ताली मरकज है, उसको ये साथ लेकर के गए हैं 12 बजे, और उसकी माँ पैसा दे करके दस्तखत करवाएं। इनको इनके पुण्य संज्ञान में था कि वो बच्ची मरी हुई है, और उस जो है अपने लोभ के लिए उस बच्ची मरे हुए बच्चे का सारा खादान का उठान कौन किया? उसकी माँ ने नहीं उठाया, ये उठा करके बेचे हैं। 8वां की वर्ग शिक्षिका आप ही हैं जी, क्या नाम है आपका? कंचन सिन्हा। जब ये मीरा कुमारी की डेट हो गया तो आपको मालूम नहीं चला? जी नहीं। आप जो हाजिरी अटेंडेंस बनाते हैं, तो उस अटेंडेंस में जो आप बनाते हैं, जैसे रोल नंबर पुकारते हैं या नाम पुकारते हैं, तो उस समय वो हाजिरी बनाने के लिए खड़ा होती थी? हाँ, क्लास में मैंने तो स्कूल की छात्रा थी, लेकिन मरने के बाद हमको पता नहीं था उसका जो है, हमको लगता है कभी कभार पहले एक आध दिन उसका साथ बना, उसका नहीं बनाया उसका हाजिरी, और उसका जो है हमको पता नहीं था उसके बारे में, इस कारण से जो है सो बन गया। आइए इधर आइए, उसके अकाउंट में कैसे छात्रवृत्ति का पैसा जा रहा था? उसका खाता अप टू डेट नहीं हुआ है उसके न तो मैंने छात्रवृत्ति क्या होगा न मैंने मथी क्या होगा। MDM वाला जो चावल मिल रहा था वो भूल बस वो हमको मैंने बताई, जो हम भूल बस चावल ले लिए, हम आपको मैंने वापस कर देंगे, वो बोली भूल बस ले ली। खाना बन रहा है, सिर्फ इससे 4 कदम दूरी पे पूरा गंदगी फैला हुआ है, पूरा कीचड़ है, गंदगी है, बदबू दे रहा है, इससे कीड़ा यहाँ पे फैलता है, मलेरिया की मच्छर फैलता है, अनेक तरह की बीमारी है, यही उड़ के जाएगा खाना के ऊपर बैठेगा, एक खाना के ऊपर बैठेगा और खाना के ऊपर बैठेगा बीमार पड़ेगा। आइए दूसरा दिखाते हैं, देखिए ये मूत्रालय है पेशाब करने का, देखिए किचन रूम के बाहर पेशाब कर देता है कोई बच्चा या के या स्टूडेंट या शिक्षक जो भी हो जी, शिक्षक बोल रहे हम किए हैं, क्योंकि उधर साफ सफाई नहीं है बाथरूम, इसके लिए इनका नूर आलम जी का कहना है इधर करते हैं जी। पूर्व प्रधानाध्यापक के द्वारा जल नल योजना के तहत पूरी टंकी ये बेच लिए हैं, ये टंकी जो ऊपर में जो था टंकी बेच लिए हैं ये, और तो बोले हवा में उड़ गया, नहीं टंकी बेच लिए हैं, उसका भी प्रमाण देंगे। दूसरी बात, ये भवन जिसे 6-7-8 बार कबर चलता है, पूर्व प्रधानाध्यापक के द्वारा क्षतिग्रस्त घोषित किया गया है, जब जितने भी हेडमास्टर आए क्षतिग्रस्त घोषित किए हैं, इसमें बच्चे देखिए ये पूरा फटा हुआ है, इसके अंदर क्लास चल रहा है, ये पूरा फटा हुआ है, हो सकता है कहीं ये बलांठ वाली जो है घटना न दोहरा दे, तो संजोग था सुबह के टाइम में बलांठ में स्कूल में गिरी थी दवाल, जिसका हम लोगों ने रिपोर्टिंग किए थे और आपको दिखाए थे डुमरी पंचायत का, आज हम ये खेतास कलना का दिखा रहे हैं औराही पंचायत का, देखिए ये कभी भी फट सकता है, फटा हुआ गिर सकता है, इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया या कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको क्यों नहीं बंद कराया जा रहा है? प्रधानाध्यापक होगा, इसका जवाबदेही सारा प्रधानाध्यापक होगा सर। नहीं, आपको कहाँ चलाएंगे, आप डिपार्टमेंट को लिख के दीजिए, उनको बताइए, आके दिखाइए जो सर इसमें है, क्लास बंद कीजिए, इसी में एडजस्ट कीजिए, जैसे आप बच्चे को एडजस्ट कर रहे हैं, कल कोई अप्रिय घटना होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? ले आते हैं, देखिए कहाँ बैठेगा, बैठने का जगह ही नहीं है। अगर कल होकर के कोई अप्रिय घटना हो जाएगा तो फिर आप क्या जवाब दीजिए उसके, उस गार्जियन के माँ बाप को, बच्चा आप ला के दीजिएगा, उसका बच्चा कहाँ से ला के दीजिएगा? ये बंद कर देंगे, नहीं होगा तो बंद कर, जब अप्रिय घटना हो जाएगा तब
विभाग से जानकारी ले लेते हैं। विभाग को हम कहते हैं यदि मकान देता है, हम लोग वैसे एक प्रयास किए हुए हैं जो मुखिया जी का कोई फंड होता है उनके द्वारा उनको मांगे हैं जो हमको कम से कम दो रूम का इसमें दे दीजिए। उसके द्वारा जैसे अभी मैंने बना है छरदा वाली, उसी प्रकार ये भी बना दीजिए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अब जब बने कोशिश कीजिए, प्रयास करके इसको सुधार कीजिए। सर यह चौथा विद्यालय इनका है जो है, ये कटवाड़ा घाट में भी उन्होंने केस मुकदमा करा करके ग्रामीण को फंसा करके चले आए। मैं भी कछुआ भी गए, उसके बाद ये ब्रह्मपुर में भी गए, ब्रह्मपुर पर हरिजन केस हुआ है, वहाँ भी जाकर के अत्याचार करके आए हैं, आ तब जाकर के वहाँ से भागे हैं। तो खसास करना है, यहाँ राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण बात कर रहे हैं, जाति पाति हैं, बच्चों को छात्र शिक्षकों को बांटे हुए हैं, समझ गए। देखिए एक आरोप लगाया जा रहा है इसी स्कूल के शिक्षक के द्वारा, नूर आलम जी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। भयभीत है, बहुत ही इनसे भयभीत है। क्यों भयभीत है? भयभीत है क्योंकि बगल का गाँव का है, हम लोग दूर दराज के हैं, ये कभी भी ला करके हम लोग को पिटवा सकते हैं। इनका भाई वगैरह इनका भाई वगैरह कई केस में लंबित है, मुदाला है। इनका भाई लेकर के इनका धमकी देते हैं कि हम भाई सबको खबर करेंगे, ग्रामीण को खराब खबर करके बुला करके सबको चुरवा देंगे। हम लोग आतंकवादी हैं, इनको बोलते हैं कि मध्यान्ह भोजन को सही कीजिए, गुणवत्तापूर्ण कीजिए, तो ये हमारे खिलाफ आवेदन देते हैं कि ये आतंकवादी है। शौचालय कहते हैं कि साफ सुथरा कराइए साहब, स्वच्छ वातावरण सरकार का आदर है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ चलाया है, आप इसको साफ सुथरा कराइए, नहीं कराए। अंतों का तो हम एक ललित कांत झा मास्टर साहब हैं, उन लोग दोनों आदमी के अथक प्रयास से भनसिया को पकड़ करके बच्चों से हम लोगों ने साफ सफाई कराया।